मेवाड़ के राजपूताना साम्राज्य की कभी राजधानी रही चित्तौड़गढ़ चुनाव में सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव राजपूतों के आन बान शान, अपराध और अफीम के इशू को लेकर के हो रहा है। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल यहाँ पे जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। इस समय वहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे क्या चुनावी समीकरण बन रहा है। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आपको याद होगा फिल्म पद्मावत, जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो यही इसी चित्तौड़गढ़ की थी, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा मचा था और बाद में उसमें फेरबदल भी करना पड़ा था। इस सीट पे जो असामान्य तौर पे जो कब्जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी आती रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पार्टी का पर्टिकुलरली किसी का कब्जा रहा हो। अभी जो यहाँ से विधायक हैं वो बीजेपी के हैं और उन्होंने सुरेंद्र जाड़ावत को हराया था। जो कांग्रेस के हैं वो ऑलरेडी 2008 में सुरेंद्र जाड़ावत यहाँ से विधायक रह चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस बार क्या होगा। इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन चूंकि उस फिल्म को लेकर के और बाद के दिनों में जो कुछ टिकट कटे हैं बीजेपी की लिस्ट में, उसको लेकर के राजपूतों में नाराज़गी थी। ये चित्तौड़गढ़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऑलरेडी यहाँ का जो किला है वो देश का सबसे बड़ा किला है और यूनेस्को की जो संरक्षित सूची है उसमें भी उसका नाम है और ये पहले से ही चर्चित रहा है। इस बार जो समीकरण बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो ताना साम्राज्य की राजधानी है रही है, वहाँ पे अफीम की खेती बड़े पैमाने पे होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि सरकारी लाइसेंस लेकर के पट्टे पे अफीम की खेती होती है। अब उसमें क्या हुआ है कि राज्य सरकार की नीतियों की वजह से वो खेती जो है घट गई है। तो लगभग जो है जो 1,60,000 किसान खेती कर रहे थे अफीम की, उनकी संख्या घट के आधी रह गई है। तो ये भी चुनाव में एक इशू बन रहा है कि जो किसान उससे प्रभावित हुए हैं, ऑलरेडी किसानों का इशू चूंकि गर्म है, इसलिए बात ये उठ रही है कि आखिरकार इनकी समस्या कौन सुनेगा। दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि जो वहाँ के यूथ हैं उसमें जो है इस अफीम की वजह से जो नशाखोरी बढ़ रही है वो उसकी वजह से सरकार ने उसको स्ट्रिक्ट किया है, तो ऐसे कैसे उसमें ढील दे दी जाए। बहरहाल अब जो है देखना ये है कि जो सुरेंद्र जाड़ावत हैं और जो बीजेपी की तरफ से चौहान है, चूँकि जाड़ावत एक बार 2008 में जीते थे, 2013 में वो चुनाव हार गए थे, इस बार जो है उनके सामने जो है फिर से दोनों के बीच में लड़ाई है एक तरह से। तो देखना ये है कि क्या जो है अब की बार कांग्रेस वहाँ पे कुछ कर पाती है या पूर्व के भात बीजेपी का ही झंडा फहराता है। राजपूतों के बाहुल्य वाले इस सीट पे जो कुल आबादी है वो 3.41 लाख है, जबकि मतदाताओं की संख्या 2.43 है। और उसमें जो है राजपूतों के अलावा जो है एससी जो है 17% के आसपास है और एसटी जो है लगभग 10% है। 2013 में जो मतदान हुआ था वो लगभग 81.35% के आसपास हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव में 65% के आसपास। यहाँ से जो पिछली बार का मार्जिन था वो ठीक ठाक था। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है चंद्रभान सिंह चौहान, शायद इस बार क्या निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, उनकी यहाँ पे काफ़ी मजबूत स्थिति इसलिए है कि 2008 के चुनाव में एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।